नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिशन कमेटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिम्मत प्रधान। दोस्तों, जैसा कि हमारे वेबसाइट कॉम्पिटिशन कमेटी के डिस्कशन कमेटी पोर्टल पे बायोडायवर्सिटी भाग एक और भाग दो, दो ऐसे टॉपिक क्रिएट किए गए थे, उनसे संबंधित प्रमुख प्रश्न वहां पे दिए गए थे और इन प्रश्नों में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे आंसर्स लिखे हैं और उनके आंसर्स में थोड़ी थोड़ी अगर आप सुधार कर दिया जाए तो डेफिनेटली उनका आंसर एक अच्छे लेवल पे गिना जाएगा। दोस्तों, मैं उन सभी स्टूडेंट का नाम भी लेना चाहूँगा, हालांकि सभी का नाम लेना संभव नहीं है, फिर भी कुछ नाम लेना मैं आवश्यक समझता हूँ। रविकांत कश्यप, नीतू गुरु, विनोद पटेल, सोनम यादव, विकास जैन, अजय सिंह परिहार, मधुलिका डिक्सेना, आशीष दुबे, अभिषेक पुरी, आकांक्षा पांडे, आर्यन दुआ, आयुषी गुप्ता, प्रिया तिवारी, शुभम जैन, प्राची केसरवानी, रजनी देवांगन और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने लगातार यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस रखा है। दोस्तों, इन स्टूडेंट्स के जैसे ही आप भी अपना आंसर लिख के सबमिट करिए, डेफिनेटली हम उसको रिव्यू करेंगे और एक अच्छा इंपॉर्टेंट फीडबैक आप सभी को देंगे। ठीक है, तो आइए हम विदाउट वेस्टिंग सीधा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि बायोडायवर्सिटी भाग एक हमने कर रखा था, उसके बाद बायोडायवर्सिटी भाग दो की ओर चलेंगे। बायोडायवर्सिटी भाग दो में जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने दे रखा था, उसमें पहला जो प्रश्न है, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्थानिक प्रजातियाँ किसे कहते हैं या वॉट आर द एंडेमिक स्पीसीज़। तो दोस्तों, ये एक काफ़ी सरल प्रश्न है, दो नंबर का प्रश्न है। कल की क्लास में भी, यानी कि प्रीवियस क्लास में भी मैंने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। ऐसी प्रजातियां जो किसी स्पेसिफिक या विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में मिलती हैं और अन्यत्र कहीं नहीं मिलती, उन प्रजातियों को क्या कहते हैं आप? स्थानिक प्रजातियाँ कहते हैं। द स्पीसीज विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर और स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, Not anywhere else or nowhere else, this is called a endemic species. The example of endemic species is a kangaroo. For example, जैसे हमने कंगारू का लिया, तो कंगारू कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है मोस्टली, तो ऑस्ट्रेलिया के विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही मिल रहा है, तो वो endemic species है। और वैसे तो देखा जाए तो अगर endemic species के बारे में और लाइन अगर जोड़ना चाहें, endemic species या स्थानिक प्रजातियाँ किसी क्षेत्र में, किसी बड़े भूभाग में या फिर किसी महाद्वीप में भी हो सकते हैं, तो उन्हें भी हम स्थानिक प्रजातियां या एंडेमिक स्पीसीज कहेंगे। जैसे किसी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हमने कहा कि जैसे आप नीलगिरी ताहर, तो नीलगिरी जो वेस्टर्न घाट, नीलगिरी ताहर जो कहाँ मिलता है? वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में ही मिलता है, अन्य कहीं नहीं मिलता। वैसे ही अगर आप किसी कंटिनेंट की बात करें तो आप ऑस्ट्रेलिया सीधा चले जाएं, तो सीधा क्या है, एक बड़े क्षेत्र में, एक कंटिनेंट में क्या मिल रहा है? सीधा आपका कंगारू मिल रहा है, तो वह क्या है? स्थानिक प्रजातियां हैं। तो क्या लिखेंगे? स्थानिक प्रजातियां वह प्रजातियां होती हैं जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, अन्य कहीं नहीं पाए जाते, और इन ये प्रजातियाँ किसी क्षेत्र में, बड़े भूभाग में या किसी महाद्वीप विशेष में भी हो सकते हैं। उदाहरण आप कंगारू लिख लें, नीलगिरी ताहर लिख लें, ओलिव रिडले कछुआ लिख लें, कुछ भी ऐसा आप लिख सकते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र को वो प्रदर्शित करती हैं। एंडेमिक स्पीसीज का अपना विशिष्ट वैल्यू होता है क्योंकि यह बायोडाइवर्सिटी के दृष्टि से काफ़ी क्या है, संपन्न एवं समृद्ध माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि बायोडायवर्सिटी के लिए वह विशिष्ट है, ठीक है, इसलिए उसे समृद्धता के तौर पे हम नोट करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दो नंबर का प्रश्न है तो इसमें तीन जरूरी बातें आप वापस से ऐड कर लिए, डेफिनेशन, एग्जांपल, ठीक है, और उससे रिलेटेड एक एक्स्ट्रा लाइन हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा लाइन क्या थी? मैंने बताया कि बायोडायवर्सिटी के दृष्टि से जो है एंडेमिक स्पीसीज या स्थानिक प्रजातियां काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। दैट्स इट। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विविधता के प्रमुख खतरे, स्टेट द मेजर थ्रेट टू अ बायोडायवर्सिटी। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो वो क्या है? जैव विविधता के प्रमुख खतरे। तो ये क्या है, मेजर थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी का मतलब यह क्या है, बायोडायवर्सिटी को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको यहाँ पे उनको नुकसान पहुँचाते हैं, तो उन नुकसान्स को आप यहाँ पे नोट करें सीधा सीधा। तो बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन इन प्रश्नों में यदि ये प्रश्न संभावित तौर पे चार नंबर भी आ सकता है, आठ नंबर भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है
कि इस टाइप के प्रश्न को काफ़ी लंबा भी हम लिख सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छे शब्दावली का प्रयोग करेंगे यहाँ पे हम, और अच्छी शब्दावली के साथ उसको हम क्या करेंगे, इलाबरेट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो क्या क्या हो सकता है। तो जैसे हम देखें यहाँ पे, तो उन चीज़ों को निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं आप जलवायु परिवर्तन, उसके बाद अगर आप लिखें मृदा निम्नीकरण, सॉइल डिग्रेडेशन, प्लास्टिक अपशिष्ट और माइक्रोप्लास्टिक भी कर लें, प्लास्टिक अपशिष्ट और माइक्रोप्लास्टिक, कम टू द नेक्स्ट, रसायन एवं कीटनाशक, केमिकल एंड पेस्टिसाइड, एंड एक और पॉइंट लिख लें, पॉल्यूशन या प्रदूषण। देखो इतने बड़े ये प्रश्न को अगर आप नोट करना चाहें तो देखिए, आप इस प्रश्न में ये देख रहे होंगे कि जो बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचाते हैं या उनके लिए जो मेन थ्रेट का काम करते हैं, तो अगर आप देखो डिफॉरेस्टेशन या निर्वनीकरण को करते हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या जोड़ दें आप, सीधा आप उसके हाल ही का कोई एग्जाम्पल, जैसे कहाँ पे अभी रिसेंट में आग लगी थी, दो महत्वपूर्ण जगह पे हाल ही में आग लगी थी। पहला क्या है, आप देखेंगे अमेजन फॉरेस्ट, ठीक है, दक्षिण अमेरिका अमेजन फॉरेस्ट में आग लगी थी 2019 में, और हाल ही में 2019 से लेके 20 तक सीधा खींच गया वो क्या है, आप ऑस्ट्रेलिया के जंगल में, तो वहाँ अभी भी काफ़ी बड़ी बड़ी क्या काफ़ी बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर जितने भी स्पीसीज़ हैं, चाहे वो फ्लोरा हो या फौना हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, या जितने भी जो सॉइल्स में जो माइक्रोबियल्स हो, वो सभी के सभी क्या है वहाँ पे वो सब मारे गए और बहुत बड़े लेवल पे बायोडायवर्सिटी की क्षति हुई। ठीक है, ये चीज़ें आप नोट कर लें। और निर्वनीकरण का अपना तो एक है ही कि निर्वन डिफॉरेस्टेशन जैसे हम करते हटाते जाते हैं तो उनका जो नेचुरल हैबिटाट है वो नष्ट होते जाता है, और नेचुरल हैबिटाट जब नष्ट होता है तो उस क्षेत्र में जितने भी स्पीसीज़ होते हैं वो या तो माइग्रेट कर जाते हैं, या तो दूसरे उसी जगह पे वो मारे जाते हैं, या एन नंबर ऑफ थिंग्स उनके साथ होने लगती है जो उनके लिए सर्वाइवल के लिए वो नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो ये क्या है, आप निर्वनीकरण को ज़रूर लिखें। आप जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन का जो प्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव जिस पर पड़ता है वो है जितने भी वाइल्ड स्पीसीज़ या वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स पे। देखिए जलवायु परिवर्तन को आप कई तरीके से लिख सकते हैं, तो जलवायु परिवर्तन के कारण चाहे वो प्रदूषण से हो, चाहे वह आप देखते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग से हो, या अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल प्रदूषण के कारण उनसे होने वाले दूसरे ऐसे नुकसानदेह या दुष्परिणाम हो, उन सब का खामियाजा कौन भुगतते हैं, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स या जो फ्लोरा फौना है वो भुगतते हैं। तो या तो उस क्षेत्र की जैसे ज़्यादा पोल्यूशन हुआ उस क्षेत्र की वनस्पतियाँ यानी कि जो प्लांट्स हैं वो मारे जाते हैं या वो नष्ट हो जाते हैं, या कह सकते हैं उस क्षेत्र में जितने भी स्पीसीज़ होते हैं वो स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाते, तो फाइनली वो क्या उनके लिए नुकसानदेह होता है, और फिर नए जगह जाते हैं तो वो वहाँ पर क्या है सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं जैसे कि आप मान लो गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में काफ़ी देखते हैं आप जो है धूप काफ़ी तेज़ पड़ती है, जितने भी जो जल के स्रोत हैं सूख जाते हैं, और जल के स्रोत सूखने के कारण क्या है वो एनिमल्स जो होते हैं या उस क्षेत्र की जो वेजिटेशन होती है वो क्या होती है पानी की कमी के कारण काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर विचलित हो जाती है या फिर वो वहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मृदा निम्नीकरण या सॉइल डिग्रेडेशन भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि यदि आप किसी सॉइल में अगर लगातार वहाँ पे पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स या उस क्षेत्र को अगर आप वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हटा देते हैं तो अल्टीमेटली उसका एक अलग इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो सॉइल होता है सॉइल में जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, और सॉइल में जो फर्टिलिटी ख़त्म होती है उसके बाद होता ये कि जिसमें माइक्रोबियल्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं मिट्टी में, जो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, जो वो सब क्या है मारे जाते हैं, और सॉइल जो है अपने आप में पूरी तरह से बंजर होने लगती है। ठीक है, तो ये भी देखें आप, और ज़्यादा जो आप देखते हैं जितने भी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स की ज़्यादा मात्रा भी अगर किया जाए तो यहाँ पर क्या है
वो जितने भी माइक्रोबियल्स होते हैं वो एनिमल्स चाहे प्लांट्स जो भी छोटे छोटे वो सब क्या है नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं प्लास्टिक अपशिष्ट और माइक्रोप्लास्टिक। प्लास्टिक अपशिष्ट का मतलब ये है कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक, इसे अभी हाल ही में बैन किया गया है, लेकिन क्या इससे पूर्व में किए गए प्लास्टिक अभी भी वातावरण में हैं? बिल्कुल हैं, पर्यावरण में अभी भी उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ माइक्रोप्लास्टिक जो एनिमल्स खा जाते हैं जैसे कि गाय या दूसरे अन्य जीव जंतु क्या है उन छोटे प्लास्टिक को खा जाते हैं। अगर आप देखते हैं तो प्लास्टिक क्या है कई तरीके से हमारे बॉडी में भी जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है इसके कारण भी क्या है हमारे जो बॉडी है या एनिमल्स के बॉडी हैं जो इनको प्लास्टिक को खा लेते हैं तो उनके बॉडी में क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है और फाइनली उनकी या तो डेथ हो जाती है या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं जिसके कारण क्या है उनका जो डाइवर्सिटी है वो प्रभावित होती है। और रसायन और कीटनाशक बहुत आसान चीज़ है कि आप देखते हैं कि इंडिया का एक बड़ा भूभाग क्या है कृषि में लगा हुआ है। अगर चूंकि आज की जो वर्तमान कृषि पद्धति है उसमें हम देखते हैं कि काफ़ी सारे पेस्टिसाइड्स और काफ़ी सारे ऐसे केमिकल्स जो हैं छिड़काव किए जाते हैं और इन छिड़काव के कारण हमको लगता है कि हम टेम्परेरी तौर पे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिए, लेकिन दीर्घकालिक में वो क्या होता है हमारे या तो फूड ग्रेन में शामिल हो जाता है या फिर उस सॉइल को प्रभावित करता है और सीधा सीधा हमारे बॉडी में वो इंजेक्ट हो जाता है। तो जब हमारे बॉडी में आ जाता है ये केमिकल तो हमारे डीएनए या जीनोमिक चेंजेस करने के लिए ये क्या है रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कभी म्यूटेशन के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है, कैंसर कॉज भी हो सकता है इसके कारण। तो ये सब चीज़ें क्या हैं आपके रसायन और कीटनाशक इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा एंगल है कि पॉल्यूशन के कारण न केवल एनिमल्स एंड प्लांट्स बल्कि पूरा क्या है एनवायरनमेंट ही हम इसी मतलब पूरा एनवायरनमेंट क्या प्रभावित होता है। तो ये प्रश्न के उत्तर मेरे ख्याल से इन ज़रूरी पॉइंट्स के साथ आप कंप्लीट कर सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी के बारे में ज़रूर लिख लें, खासकर जो करंट एस्पेक्ट है कि इन बायोडाइवर्सिटी से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए या दूसरे शब्दों में कहें तो बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रियो समिट, कार्टाजीना, नागोया प्रोटोकॉल, आईजी लक्ष्य जैसे बड़े बड़े प्रयास किए हैं और आने वाले समय में हम इनको बचाने के लिए पूरी तरह से हम इसमें प्रयासरत हैं। तो इस प्रकार इन चीज़ों को आप उल्लेख कर लें, इनका नाम लिखें, करंट का एस्पेक्ट आपने कंगारू वगैरह का जो जंगल में आग लगी थी वो लिख दिए और लास्ट में वैल्यू एडिशन के लिए आप क्या लिए जो जितने भी जो कन्वेंशन वगैरह हुए हैं तो दो तीन नाम आप लिख दिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नम भूमि क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, वाई आर द वेट लैंड्स इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन। तो वेट लैंड के बारे में अगर आप जान रहे होंगे तो वेट लैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके बायोडाइवर्सिटी के लिए और आइए देखते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी में जो वेटलैंड का है क्या रोल होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए मैंने मोबाइल कोर्स के समय में ये चीज़ बताया था, ये एरिया मान लो अगर आप देखते हैं तो मान लो ये एरिया क्या है लैंड है यानी कि थल वाला भाग है, ये एरिया जल है यानी कि वाटर वाला एक्वेटिक वाला पार्ट है। अब दोनों एक ऐसी जगह तो होगी ही होगी कि जो जब दोनों मिल रहे होंगे तो वो दोनों वाला क्षेत्र क्या है, ये क्या है आपका संक्रमण क्षेत्र है यानी ट्रांजिशन एरिया है। और इस क्षेत्र में क्या है, इस क्षेत्र में आप देखते हैं बहुत टाइप की स्पीशीज़ मिलते हैं। ऐसा क्यों? देखिए जो लैंड इकोसिस्टम है वहाँ पे अलग अलग प्लांट दिख सकते हैं जो केवल लैंड में उगते हैं। तो लैंड में या थल में उगने वाले जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स वगैरह जो भी होंगे वहाँ पर उनकी एक उसको हम मान लो ए मान लेते हैं, ठीक है, कॉमन तरीके से। और वैसे ही एक्वेटिक पार्ट में केवल रहने वाले जैसे कि आप फिश देखते हैं या ऐसे जो जू प्लैंकटॉन्स हैं या फाइटो प्लैंकटॉन्स हैं ये सब क्या हैं मान लो जल में ही उगते हैं तो इनको मैं मान लो बी मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कॉमन चीज़ क्या है, ये जो ट्रांजिशन एरिया है इसमें देखते हैं कि कुछ ऐसे स्पीसीज आ जाते हैं इधर से भी और कुछ स्पीसीज इधर से भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे इनके नंबर्स मान लो चार टाइप के स्पीसीज थे, इधर मान लो चार टाइप के स्पीसीज थे, ठीक है। तो अब ये दोनों में देखते हैं तो हो सकता है यहाँ पे ये आठ टोटल एट स्पीसीज मिले, है ना। ये नंबर्स हमेशा
इन दोनों से ज़्यादा होते हैं मोस्टली। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फेवरेबल, ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं। दैट्स वाई कि जो लैंड वाला, जो वेट लैंड वाला एरिया होता है, वो वेट लैंड एरिया अपने आप में काफ़ी समृद्ध या काफ़ी ज़्यादा रिच माना जाता है बिकॉज ऑफ फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, पहले समझिए फिर पॉइंट्स में बताऊँगा। ये समझ गए आप? तो ये वेट लैंड एरिया है। अब ये वेट लैंड कहाँ हो सकता है? हो सकता है ये आप ओशन में भी हो सकता है, या आप देखते हैं कि जो छोटे स्थल वाले भागों में वहाँ पे भी हो सकता है। तो कुल मिला के हमको समझना क्या है कि आप देखते हैं कि ये जो वेट लैंड होता है, वेट लैंड में एक ख़ास बात क्या होती है, तो उन ख़ास बातों का हम उल्लेख करना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके बारे में ख़ास बात, एक कुछ इम्पॉर्टेंट एंड बड़े अट्रैक्टिव से टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूँ। द वेट लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड अ बायोलॉजिकल सुपरमार्केट। मैंने कहा कि जो नम भूमि क्षेत्र होते हैं वो बायोलॉजिकल सुपरमार्केट होते हैं। सुपरमार्केट का कॉन्सेप्ट क्यों होता है यहाँ पे? देखिए, सुपरमार्केट में जब जाते हैं हम, हमारे पास फूड के बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, तो हमको वहाँ पर एक ही जगह में इतने टाइप के फूड ऑप्शन होते हैं, सिमिलरली यहाँ होता है। मैंने खाद्य श्रृंखला के समय काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण बताया था। तो जैसे आपने सुना होगा कि जो खाद्य श्रृंखला होती है, तो खाद्य श्रृंखला के बारे में क्या बताया था मैं कि जैसे घास है, घास को मान लो खरगोश खा रही है, खरगोश को मान लो वहाँ पे लोमड़ी खा रही है, लोमड़ी का शिकार मान लो वहाँ पे टाइगर कर रहा है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि उनका एक फूड चेन है। वैसे ही आप देखते हैं कि एक्वेटिक वाले प्लांट में क्या है, जंतु जो पादप प्लवक होते हैं, पादप प्लवक को जंतु प्लवक खाते हैं, जंतु प्लवक को छोटी मछली, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है। तो इस प्रकार उनका एक सीक्वेंस है खाद्य श्रृंखला। ठीक है, यदि उस खाद्य श्रृंखला में फूड के ऑप्शन ज़्यादा हो तो वह श्रृंखला क्या कहलाएगी, वो ज़्यादा जटिल कहलाएगी, ज़्यादा वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, यानी कि ज़्यादा वो ज़्यादा फूड ऑप्शन वाला फूड चेन कहलाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे कि यहाँ पे मल्टीपल फूड ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, मल्टीपल फूड ऑप्शन रहने के कारण यहाँ पे ये बहुत आसानी से यहाँ पे वो फूड अपना वो पा लेते हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि यदि किसी क्षेत्र में फूड चेन ज़्यादा है, इसका मतलब फूड वेब ज़्यादा है, समझ रहे हैं? वेब का मतलब जाल। बहुत सारे खाद्य श्रृंखला मिलकर खाद्य जाल बनाते हैं, है ना? मतलब वेरियस टाइप ऑफ फूड चेन कंसिस्ट अ फूड वेब। तो इन फूड वेब, जहाँ पे फूड वेब ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी डेंस एरिया कहलाएगा। तो कुल मिला के समझ गए पहला पॉइंट क्या बताया मैंने एक लाइन में, नम भूमि क्षेत्र जो है, सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे, संक्रमण वाले क्षेत्र में होते हैं, मतलब दो इकोसिस्टम के मिलान वाले क्षेत्र में होते हैं, जो अर्थ में लैंड एवं एक्वेटिक वाला पार्ट हो सकता है, जल और थल का जो संक्रमण क्षेत्र वो हो सकता है, इसके कारण यहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने बताया कि जो आपका बायोडाइवर्सिटी का जो वेटलैंड वाला पार्ट होता है, ये वेटलैंड वाला पार्ट को हम बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाद्य श्रृंखला काफ़ी जटिल होती है, यानी कि खाद्य जाल होता है, जिसके कारण यहाँ पे फूड के ऑप्शन ज़्यादा होते हैं और इस कारण इसे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। दैट्स इट। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी सुन लीजिए, किडनी हमारा किस क्या काम करता है, किडनी क्या प्यूरीफाई काम करता है, क्या वाटर को प्यूरीफाई करता है। ठीक है, तो सिमिलरली क्या है यहाँ वेट लैंड में भी क्या करते हैं, ये वेट लैंड में जितने भी स्पीसीज होते हैं वो स्पीसीज क्या है, वाटर को प्यूरीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर साइकिल, जल चक्र की सहायता से ये क्या है, वाटर को प्यूरीफाई करने का कार्य करते हैं। ये समझ गए? अब तीन महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बताया, इसके बाद थोड़ा वैल्यू एडिशन कर लें। इसमें वैल्यू एडिशन किस प्रकार करेंगे कि प्रतिवर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ये एडिशन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा और एडिशन करना है तो वर्ष 2020 को, यानी कि इसी साल को क्या नाम दिया गया है, बायोडाइवर्सिटी एंड वेटलैंड नाम का जो थीम है वह इस साल घोषित किया गया, जो हाल ही में 2 फरवरी को घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये थीम है जैव विविधता और आर्द्रभूमि, ये वर्ष 2020 का थीम है। ठीक है,
तो ये इसका वैल्यू एडिशन कर दिए। अब यदि यही प्रश्न अगर थोड़ा और दीर्घ उत्तरी आता है तो इन इन जो पॉइंट्स हैं इनका जो है थोड़ा विस्तार कर लें। इसके अलावा अगर आप इसमें देखेंगे तो एक और ज़रूरी पॉइंट मैं ऐड करना समझता हूँ, वो पॉइंट क्या है कि जो वेटलैंड क्षेत्र होते हैं वो कार्बन एब्जॉर्बर होते हैं, यानी कि वो जो है कार्बन अवशोषक होते हैं, और दूसरा कि वो जो है जो जो भूजल स्तर होता है ग्राउंड वाटर जो है चार्ज का काम करते हैं, यानी कि ग्राउंड वाटर को रीस्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आप 3-4 पॉइंट आप ज़रूर लिख लें। इसके बाद देखते हैं आप, हम अगले प्रश्न की ओर सीधा चलते हैं। स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, संस्थितिक और असंस्थितिक संरक्षण से क्या आशय है, व्हाट इज़ मीन बाय टोपोलॉजिकल एंड नॉन टोपोलॉजिकल कंजर्वेशन। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप समझिए थोड़ा सा कि देखो आप ये जो शब्द है सिलेबस में आपका एज इट इज़ लिखा हुआ है और उस शब्द को पकड़ने के बाद यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो टोपोलॉजिकल एंड नॉन टोपोलॉजिकल संस्थितिक और असंस्थितिक शब्द का पहला मतलब समझिए, उसके बाद इन सीटू एक्स सीटू को आप समझेंगे। टोपोलॉजिकल का मतलब इसमें क्या होता है, नेटवर्किंग होगी और उनके बीच में क्या इंटरलिंकिंग होगी, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है मान लो, तो इनका इस ये और ये वो इंटरलिंक हो सकते हैं, हो सकता है ये इससे डायरेक्ट नहीं रिलेट हो लेकिन आपस में एक दूसरे से वो जुड़े हो सकते हैं, यानी कि ए बी के साथ, बी सी के साथ या सी डी के साथ, तो किसी न किसी रूप में वो इंटरलिंक हो सकते हैं। ठीक है, और इनके बीच में क्या नेटवर्किंग होती है, तो ये एक्चुअल में टोपोलॉजी का वर्ड का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद इन सीटू एक्स सीटू को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे नॉन टोपोलॉजिकल में क्या होता है, इस प्रकार का कोई इंटरलिंक नहीं होता, इसमें क्या होता है आइसोलेशन होता है, ये आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली तो नहीं जुड़े होते, थोड़ी अगर आप गौर से इसमें देखेंगे तो इस प्रकार इनमें क्या है किसी प्रकार की इंटरलिंकिंग नहीं मिलेगी और किसी प्रकार का ऐसा नेटवर्किंग नहीं मिलेगा। ठीक है, अब दोनों का उदाहरण देखो, टोपोलॉजिकल कंजर्वेशन का उदाहरण इन सीटू कंजर्वेशन है और उसका उदाहरण क्या है एक्स सीटू कंजर्वेशन है। ठीक है, स्वस्थान है और बहिस्थान है, तो इन वर्ड आ रहा ना, तो जैसे कोई आप देख रहे होंगे कि कोई ऐसा क्षेत्र है तो इसी के अंदर इन सीटू है ये, और अगर इसी के अगर आप बाहर देखते हैं तो वो क्या है एक्स सीटू है। तो इसे किस प्रकार समझेंगे कि जैसे कंजर्वेशन का वह प्रकार, संरक्षण का वह प्रकार, जैसे हम जानते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है या जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो अभयारण्य यानी सेंचुरी है, जो कम्युनिटी रिजर्व है, समुदाय क्षेत्र है और पवित्र उपवन है, तो ये सब क्या है द एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। अब क्या है इसके जो स्पेशलिटी है, वो दो तीन चीज़ें समझ जाइए कि इसमें क्या होता है कि जीवों का वह संरक्षण जिसमें उनके प्राकृतिक आवास पे ही उनका संरक्षण किया जाता है, दिस इज कॉल्ड अ इन सीटू कंजर्वेशन। उदाहरण के तौर पे इनका नाम लिखते किसका, आप जो कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, सेंचुरी, ये सब लिख लें, पहला पॉइंट आप लिख लिए। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें कि इसमें किसी एक विशिष्ट प्रजाति को फोकस नहीं किया जाता। ठीक है, समझ रहे हैं, इसमें क्या है एक नेशनल पार्क वाले एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे छोटी कोई स्पीसीज भी हो सकती है और बड़ी स्पीसीज भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि एक ही प्रजाति को, एक ही स्पीसीज को आप फोकस करें, हाँ उनमें से एक बड़ी संख्या ज़रूर हो सकती है, समझ रहे हैं, ये दूसरी चीज़ें हो गई। वहाँ पे एनिमल्स के अलावा प्लांट्स को और बाकी चीज़ों को, बाकी बायोडाइवर्सिटी वाले जो पार्ट हैं उनको भी हमको क्या है वहाँ पे संरक्षण देना होता है। तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट, यह क्षेत्र ज़्यादा प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, यहाँ आवाजाही नहीं होती इन सीटू कंजर्वेशन में, या वहाँ पे नियमों के अनुसार आवाजाही हो सकती है या नियमों के अनुसार वहाँ पे उनका प्रबंधन किया जाता है। चौथा अगर पॉइंट अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि भारत में जो संरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे कि आपको पता है जो नेशनल पार्क के नंबर्स, बायोस्फीयर के नंबर्स और आपके सेंचुरी के नंबर्स, ये सब चीज़ों को आप थोड़ा सा इतने संरक्षित क्षेत्र हैं इस प्रकार लिख लें। तो ये चार पॉइंट आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब एक्स सी टू में आते हैं, तो इसमें क्या है एक्स सी टू का एग्जांपल क्या है, जो बॉटनिकल गार्डन है, जो जूलॉजिकल गार्डन है, ठीक है, जो जीन बैंक्स हैं,
सीड बैंक्स हैं, ये सब क्या है वहाँ पे एग्जांपल हैं किसके, एक्सीटू कंजर्वेशन में। इसमें उनके नेचुरल हैबिटाट से अलग दूसरे जगह संरक्षण उनको प्रदान किया जाता है। जैसे कि आप जू में चले जाते हैं, चिड़ियाघर में चले जाते हैं, तो चिड़ियाघर में क्या है, हम उनका मान लो वहाँ पे मान लो कह सकते हैं लंगूर या बंदर, तो उनका नेचुरल हैबिटाट क्या है, वो जंगल है, लेकिन वहाँ से हम उनको माइग्रेट करके ले जाते हैं और किसी जू में रखे होते हैं। सिमिलरली जितने भी जू में रखे जाने वाले जितने भी स्पीसीज हैं भाई, उनका जो एक नेचुरल हैबिटाट है या नेचुरल उनका जो आवास है, वहाँ से हम यहाँ ले आ रहे हैं। अब जब इस क्षेत्र में रखते हैं तो इधर आप देख रहे हैं कि मान लो लंगूर है, यहाँ पे टाइगर है, यहाँ हो सकता है जो प्लांट की स्पीसीज हैं, यहाँ पे कुछ और जैसे स्नेक वगैरह है, तो इनमें आपस में इंटरलिंकिंग नहीं होती, वो दोनों वो सब क्या है, उनके लिए सेपरेट फूड, सेपरेट उनके लिए आवास बनाया जाता है और उनको उन्हीं के अनुसार ना रख के हम अपने तरीके से रखते हैं, प्राकृतिक आवास में नहीं रखते। जबकि इधर क्या था, इधर देखते हैं कि उनके नेचुरल हैबिटेट में ही है और वो ऊपर से नीचे तक फूड के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है, वो आपस में इंटरलिंक होकर कहीं ना कहीं अपने भोजन की व्यवस्था कर ले रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये इन सीटू का एग्जाम्पल हो गया, और इधर आप देखेंगे तो ये एक्स सीटू का हो गया, तो इसमें इंटरलिंकिंग कहीं नहीं है, नेटवर्किंग कहीं नहीं है, और इनको क्या है, अपने प्राकृतिक पर्यावरण से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। ये क्लियर हो गया। अब एक्स्ट्रा पॉइंट क्या ऐड करना चाहेंगे, इसमें जो एग्जाम्पल मैंने बताया वो से एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जो जूलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, जो चिड़ियाघर, ये सब चीज़ें उसको ऐड कर लीजिए और उसके बाद ये क्लियर हो गया आपका। तो इस प्रकार यह प्रश्न को भी आप आसानी से लिख सकते हैं। इसमें क्या है, आप इन क्षेत्रों में ज़्यादा रोक टोक नहीं होती आवाजाही की, तो आसानी से आप आ जा सकते हैं, और ये यहाँ पर जो नियम होते हैं अपेक्षाकृत शिथिल होते हैं, थोड़ा सा लिबरल यहाँ पर होते हैं। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आप उत्तर लिख सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव एवं वन्य जंतु संघर्ष। तो मानव वन्य जंतु संघर्ष से क्या आशय है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमन एंड वाइल्ड एनिमल कन्फ्लिक्ट। आप अक्सर समाचार में सुनते होंगे कि हाथी, जैसे छत्तीसगढ़ में हाथी अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा दूसरी जगह माइग्रेट करके चले जा रहे हैं, और हमको लगता है कि किसी क्षेत्र में वास्तव में हाथी घुस के आ गया है, लेकिन उसका आप दूसरा एंगल भी सोचिए, आप उनके घर को अतिक्रमण किए तभी वो दूसरे क्षेत्र में माइग्रेट करके गए आए हैं, ठीक है। तो मानव एवं वन्य जंतु के भी संघर्ष अपने आप में काफ़ी सदियों से चला आ रहा है, लेकिन संतुलन की स्थिति में था इसलिए हमको यह पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब आज हम आबादी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रही है, तो आबादी बढ़ने के कारण किस पे ज़्यादा दबाव आएगा, संसाधनों पे, तो रिसोर्सेज पे ज़्यादा दबाव आएगा। तो इनके जो जरूरी पॉइंट्स आप आइए नोट करते हैं, क्या क्या हो सकते हैं मानव एवं वन्य जंतु संघर्ष। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पिछले साल पीएससी में आ चुका है, तो अगर आप इसके सही आंसर नोट लिखते हैं तो काफ़ी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं कि इनके जो प्रमुख जो आंसर्स के कुछ ज़रूरी पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। पहला, आबादी का दबाव, ठीक है, संसाधनों का दोहन, ये लिख सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन, निर्वनीकरण, ठीक है, इसके कारण क्या है, प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें इन दोनों में जो एक और कॉमन चीज है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। मैं हालांकि यहाँ चार ही पॉइंट बता रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए इसे किस प्रकार आप लिख सकते हैं, मानव एवं वन्य जंतु, मैन एंड वाइल्ड एनिमल्स, दे आर अ पार्ट ऑफ नेचर, दोनों प्रकृति के ही भाग हैं, लेकिन जब मानव अपने अतिक्रमण क्षेत्र को बढ़ा देता है, यानी कि जो प्राकृतिक आवास क्षेत्र को जब नुकसान पहुंचाता है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु, वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं, वहाँ विचलित हो जाते हैं और दूसरे क्षेत्र में वो माइग्रेट करते हैं, दूसरे क्षेत्र में वो स्थानांतरित होने लगते हैं। इस दौरान वह दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण दोनों में संघर्ष हो जाता है। या कह सकते हैं कि मानव एवं वन्य जंतु प्राकृतिक आवास के नष्ट होने के कारण
एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण उनमें संघर्ष होता है। यही मानव एवं वन्य जंतु संघर्ष है। तो इसके जो प्रमुख कारण में से अगर आप देखेंगे तो आबादी का दबाव जब बढ़ रहा है तो लगातार हम खेती का एरिया बढ़ा रहे हैं, संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, वनों का कटाव कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है, जो नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास है, वो नष्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है दबाव के कारण क्या है, प्राकृतिक आवास नष्ट होने के कारण क्या है, दोनों में टकराव हो रहा है, पहला पॉइंट। संसाधनों का दोहन, हम जैसे ही हम जितने भी रिसोर्स हैं उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं या उसका दोहन करना हम चालू करते हैं तो हमको पर्यावरण की कोई चिंता नहीं होती, हम सीधा सीधा हम आगे अपने फ़ायदे के लिए हम आगे बढ़ते चलते हैं। उस दौरान बहुत सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स जो है उनका नेचुरल हैबिटेट नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यह भी इसके कारण क्या है, दोनों में संघर्ष होता है। डिफॉरेस्टेशन लगातार जो है ऐसे जंगली क्षेत्र जहाँ किसी समय में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के लिए प्राकृतिक आवास हुआ करता था, वह क्षेत्र अब क्या है, कटाव के कारण क्या, उनका आवास नष्ट हो गया है, जिसके कारण आज हम देखते हैं कि वह जो सामान्य जो आम जनता रहती है या दूसरे ऐसे आवासीय क्षेत्रों में वो प्रवेश कर जा रहे हैं। ठीक है, तो इन के कारण भी क्या है, यहाँ पे इनका संघर्ष हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, आप देखते हैं कि आज जो हमारा जो ओवरऑल जो साइकिल है वो काफ़ी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। अचानक देखते हैं कभी बारिश हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा धूप लगती है। तो धूप का एग्जाम्पल ले लें, बहुत ज़्यादा धूप बढ़ने के कारण होता क्या है कि जो वन क्षेत्र में जो पॉन्ड एरिया होता है, जो पानी वाला क्षेत्र होता है, वो सूख जाता है। तो पानी की आस में वो क्या आ जाते हैं, जो बस्ती वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, जिसके कारण क्या है, मानव और वन जंतु के बीच संघर्ष होता है और उसमें क्या है, उनको नुकसान होता है। ठीक है, तो कुल मिला के जो क्रक्स क्या है कि इनका प्राकृतिक आवास का संरक्षण आवश्यक है, तो इसे ज़रूर लिखें आप। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखते हैं एक्स्ट्रा जो वैल्यू एडिशन अगर इसमें करना है तो वैल्यू एडिशन में आप देखेंगे तो आप लिख सकते हैं लगातार बढ़ते शहरीकरण औद्योगिकरण के कारण जो है मानव और वन्य जंतु संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, ये एक्स्ट्रा ऐड कर लें। एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, वन्य जंतु संरक्षण के लिए 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया है और इसका क्रियान्वयन अगर और कठिन तरीके से अगर हो तो इनका संरक्षण डेफिनेटली किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप ऐड कर लें। ठीक है, इसके बाद सीधा हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। IUCN की गंभीर रूप से संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड नाजुक वनरेबल श्रेणियों में अंतर बताइए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वनरेबल कैटेगरी ऑफ IUCN। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न डेफिनेटली बनेंगे, संभावित तौर पे इस साल के PSC में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न में विगत वर्ष जो आया हुआ प्रश्न है वो उसको फिर से मैं इसलिए आपके समक्ष रखा हूँ क्योंकि ये जो 3-4 शब्दावलियाँ हैं, वैसे तो देखा जाए तो जो 7-8 जो शब्दावलियाँ हैं उनमें से जो 3 या 4 ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं तो उसे आप देखेंगे यहाँ पे। तो इसमें देखिए हमारे पास है पहला क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, इसे CRB कह देते हैं। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और दूसरा वनरेबल या संवेदनशील, ठीक है, VU आप इसे नाम दे देते हैं। इसमें क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की जो कैटेगरी है, 3 महत्वपूर्ण पैरामीटर्स हैं, उसे आप समझिए। तो सबसे पहला अगर आप देखें तो विगत 10 वर्षों में इनकी जो पॉपुलेशन है इसमें 90% की कमी हो, पहला पॉइंट समझ गए, इनकी कुल पॉपुलेशन में 90% की कमी हो, समझ गए। दूसरा महत्वपूर्ण शर्त है कि पूरे अर्थ में अगर देखेंगे तो इनके जो कुल मेंबर्स हैं, सदस्यों की संख्या, मेंबर्स जो होते हैं, जो कौन है, मैच्योर हैं या प्रौढ़ हैं, उनके नंबर्स 50 से भी कम हो, ठीक है, इनके नंबर 50 से भी कम हो, तो वो दूसरा इसका पैरामीटर है। और तीसरा महत्वपूर्ण पैरामीटर है कि विगत 10 वर्षों में इनके समाप्त होने की प्रायिकता 50% तक पहुंच चुकी हो, इनकी जो प्रायिकता है 50% तक पहुंच चुकी हो।
तो मैं रिपीट करता हूँ, विगत 10 वर्षों में इनकी जनसंख्या 90% कम हो। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट लिखें कि इनके कुल सदस्यों की संख्या, जिसमें कि प्रौढ़ मेंबर यानी मैच्योर पर्सन मैच्योर मेंबर है उनको कंसिडर करेंगे, 50 से भी कम हो। और 10 वर्षों विगत 10 वर्षों में क्या है, इनमें जो समाप्त होने की प्रायिकता है वो 50% बढ़ चुकी हो या 50% तक पहुँच चुकी हो। समझ गए, ये आपका कौन सा है, कैटेगरी है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड को अत्यंत संकटापन्न भी कहते हैं। ठीक है, या इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे संकटग्रस्त जो है इसे भी कहते हैं। अब दूसरा जो आता है, अगर धीरे से अगर आप इंडेंजर्ड को भी देखेंगे, ठीक है, हालांकि इसमें आपको क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो सिर्फ इनके नंबर्स को आप बदल दो तो इंडेंजर्ड बन जाता है। ठीक है, इनका अगर रेशियो 70% तक कम हो, विगत 10 वर्षों में 70% जनसंख्या कम हो चुकी हो, प्रौढ़ सदस्यों की संख्या 250 अराउंड या 250 से नीचे हो चुकी हो, और विगत 10 वर्षों में इनकी जो प्रायिकता है वो क्या है, 20% तक बढ़ चुकी हो, 20% तक पहुंच चुकी हो, तो ये क्या है, इंडेंजर्ड आएंगे। इंडेंजर्ड को आप देखेंगे यहाँ पे संकटापन, ठीक है, संकटापन। हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड को पढ़े हैं तो अत्यंत संकटापन, ठीक है, और इसे हम देखते हैं तो संकटापन या इंडेंजर्ड। और लेकिन हमारे पास प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न दूसरा पूछा है, पहला तो हमने इसे डील कर लिया, अब देखते हैं दूसरा जो है वह क्या है, वल्नरेबल यानी कि असुरक्षित। तो इसमें क्या है, पिछले 10 वर्षों में इनकी संख्या जो है कहाँ तक हो, 50% तक पहुँच चुकी हो। ठीक है, इनके जो कुल मेंबर्स हैं, जो प्रौढ़ सदस्यों की कुल संख्या है, वो संख्या पे यहाँ पे फिर से देखिए, तो इनके संख्या क्या है, 10,000 से आसपास, जो 250 था यहाँ पे क्या है, 10,000 आसपास हो प्रौढ़ सदस्यों की संख्या। और विगत जो है 100 वर्षों में इनके लुप्त होने की संभावना 10% हो, विगत 100 वर्षों में इनके लुप्त होने की संभावना 10% हो। डोंट बी कंफ्यूज, मैं फास्ट रिवीजन इसे बताता हूँ। तो इसे समझिए कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड में क्या था, विगत 10 वर्षों में 90% इनकी जनसंख्या कम हो चुकी हो, सदस्यों की संख्या 50 से कम हो चुकी हो, जो प्रौढ़ सदस्य मैच्योर मेंबर हैं। तीसरा, सदस्यों जो विगत 10 वर्षों में 50% प्रायिकता बढ़ चुकी हो इनके समाप्त होने की, तो ये किसका है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड का। अब वनरेबल में क्या था कि विगत 10 वर्षों में क्या है इनकी जो संख्या है, तो विगत 10 वर्षों में 50% तक कम हो चुकी हो। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। और दूसरा, इनमें जो सदस्यों की संख्या है 10,000 से नीचे हो चुकी हो, और विगत 100 वर्षों में, यहाँ 10 वर्ष नहीं है, 100 वर्षों में, किसके लिए 100 वर्ष, सिर्फ वनरेबल के लिए, इसके लिए 10 ही था, तो ये 100 वर्षों के लिए उनकी जो समाप्त होने की प्रायिकता 10% के आसपास पहुंच चुकी हो, यह असुरक्षित कैटेगरी में आते हैं। अब उदाहरण लिख लें, वनरेबल में आप देखते हैं जो चीता है, तेंदुआ है ना, ये सब लिख सकते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आप देखते हैं तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोन चिड़िया जिसे कहते हैं, वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, हिमालयन बटेर आप लिख सकते हैं, साइबेरियाई क्रेन आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, आपका एग्जांपल लिखिए, सीधा डायरेक्ट पॉइंट पे आइए, है ना, IUCN के मापदंड के अनुसार ये मापदंड है, और एग्जांपल लिखिए, पुट करिए, दैट्स इट, आपका क्वेश्चन पूरा सटीक होगा और सारगर्भित आंसर इसमें लगेगा। ठीक है, अब सीधा चलते हैं हम सीधा लास्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व स्तरीय जैव विविधता का विस्तार पूर्वक चर्चा करें, डिस्कस द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इन डिटेल। ठीक है, तो आइए हम इसे किस प्रकार एक अच्छे आंसर के तौर पे लिख सकते हैं उसकी ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारा जो लास्ट प्रश्न है उसका उत्तर किस प्रकार हो सकता है। इसे हम देखते हैं अलग अलग उत्तरों में, तो कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसे कंटेंट मिस कर जाते हैं, तो मैं इसे दूसरे तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आप एक अच्छा आंसर लिख पाएँ। तो अगर इसे लिखें तो समूचे विश्व में जैव विविधता का वितरण है, जैव विविधता पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध माने जाते हैं, और ये एनिमल्स, पस प्लांट और सूक्ष्म जीवों से मिलके बने होते हैं।
जैव विविधता समूचे विश्व में अगर देखिए तो 36 ऐसे हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, और ये हॉट स्पॉट क्षेत्र विश्व के कुल भाग का 2.3% भाग को कवर करते हैं, और इसमें लगभग 60% प्रजातियाँ जो है सम्मिलित हो जाती हैं। किंतु यदि हम देखें कि पूरे विश्व में ऐसे जो शीर्षस्थ या ग्रेटेस्ट जो बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो अगर हम देखेंगे तो इसे हम एक लार्ज फॉर्म में या एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखेंगे तो अमेरिका, जिसमें उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका दोनों आ जाता है, इसमें ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, मैक्सिको, पेरू, वेनेजुएला और यूएसए जैसे देश होते हैं जो अमेरिका में बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा समृद्ध माने जाते हैं। मैं ये वो लिस्ट बता रहा हूँ जो विश्व की कुल जैव विविधता का 70% पार्ट को कवर करते हैं। कहाँ? अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशियन वाला पार्ट, ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट। तो ये जो चार मैं यहाँ पे लिस्ट आपको बता रहा हूँ ये विश्व के कुल जैव विविधता का 70% कवर करता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। दूसरा, एशिया में अगर देखते हैं तो चीन, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया जैसे देश हैं। अफ्रीका में अफ्रीका वाला पार्ट, कांगो रिपब्लिक, कांगो गणराज्य, साउथ अफ्रीका और ओशियाना यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यू पापुआ गिनी वाला जो क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र हैं जो विश्व के कुल जैव विविधता का 70% भाग को कवर करते हैं। समझ गए आप? अब देखते हैं कि इन डेटा को लिखने के बाद अगर आप देखेंगे तो आप देखते हैं विश्व में जितनी भी जैव विविधताएँ पाई जा रही हैं, सबसे ज़्यादा जैव विविधता भूमध्य रेखा के पास पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ने के कारण यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया डायरेक्ट हो पाती है, आसानी से हो पाती है, जिससे कि वहाँ फ्लोरा और फौना आसानी से वहाँ पे विकसित हो जाते हैं और उनमें जो डाइवर्सिटी मिलती है, यानी कि जहाँ प्लांट ज़्यादा मिलते हैं वहाँ एनिमल स्पीसीज मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो फूड चेन का पार्ट होता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में जितने भी आप देखेंगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। अब वहाँ अगर आप लिख लेने ले उसके बाद देखें जो 36 हॉट स्पॉट हैं, तो 36 में हो सकता है आप 8 या 10 लिख लें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऐसे हॉट स्पॉट लिखो जो हॉटेस्ट हो, यानी कि हॉट स्पॉट में भी जो सबसे हॉटेस्ट हो। जैसे भारत के 4 हॉट स्पॉट हैं, वेस्टर्न घाट, हिमालय रीजन, इंडो बर्मा और सुंडालैंड, तो उसमें हिमालय रीजन को हटा देते तो बाकी 3 कौन क्या हैं, वो हॉटेस्ट हॉट स्पॉट हैं, ठीक है। तो ये हॉटेस्ट हॉटस्पॉट का नाम लिखें, जैसे मेडागास्कर, फिलीपींस, सुंडालैंड, ब्राज़ील का अटलांटिक वन क्षेत्र, कैरेबियन क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं तंजानिया केनिया वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो एक बाकी जो आप कंटेंट आपके पास है बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा वो लिख लें, नॉर्मन मायर साहब के बारे में लिख लें थोड़ा सा, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी लिखने के बाद विश्व में उसका वितरण यानी ग्लोबल वितरण बताएं, ग्लोबल किस प्रकार पूरी सब तरफ जो है वो स्प्रेड हुई हैं, और उसके बाद ये ज़रूरी जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स मैंने क्या बताया था 70% ये शामिल करते हैं, 2.3% वाला जो पार्ट है आपको मैंने ये बताया था, 60% जातियाँ, ठीक है। तो इस प्रकार ओवरऑल अगर देखते हैं तो आपके पास एक काफ़ी रिच कंटेंट मिल जाता है आपके आंसर्स को बनाने के लिए। बाकी जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के आधार पे अगर बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ भी लिखें, यानी कि आप ये कहें कि बायोडाइवर्सिटी जो है ज़्यादा घनी, इसका अर्थ यह होता है पर्यावरण ज़्यादा संतुलन की स्थिति में है, और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए हमको जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता है, और ग्लोबल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हमको समय समय पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किए जा चुके हैं, और इन सम्मेलन के आधार पर हम देखते हैं जैसे कि आईची लाग, चरियो सम्मेट, ये सब लिख लें आप चाहें तो, और लिख के इनका संरक्षण को सीधा सीधा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के साथ जोड़ दें, ठीक है। आई होप इतना आप समझ पाए होंगे, और हम अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और इन प्रश्नों का उत्तर आप ज़रूर लिखिए और लिख के सबमिट करिए, डेफिनेटली हम उसके बाद आपके क्वेश्चन का रिव्यू करके आपको आंसर या अच्छा फीडबैक देंगे। थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।